नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म में या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करना क्यों मना है, चतुर्थी तिथि को चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये खास जानकारी आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करना क्यों मना है, आइए बात करते हैं। चतुर्थी तिथि को भगवान श्री कृष्ण पर स्थमंतक मणि चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इसका दूसरा कारण यह भी माना गया है कि चंद्रमा को अपनी सुंदरता का बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था। उसने शंकर सुवन गजमंदन प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान जी का उपवास किया था। फिर क्रोधित होकर गणेश भगवान जी ने चंद्रमा को शराप दे डाला कि जाओ तुम काले कलूटे हो जाओ। फिर गणेश भगवान के शराप से चंद्रमा थर थर कांपने लगा। उस दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि थी। फिर चंद्रमा श्री गणेश भगवान जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करने लगा। फिर उसकी क्षमा याचना से दर्वित होकर श्री गणेश भगवान जी बोले, हे चंद्रमा, तू आज से, अभी से, अब से आगे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा तथा महीने में केवल एक दिन ही पूर्णता को प्राप्त होगा। श्री गणेश भगवान बोले कि मेरा शराप सिर्फ भाद्रपद की चतुर्थी को विशेष प्रभावशाली रहेगा, बाकी सभी चतुर्थियों को कोई भी ज्यादा मेरे शराप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री गणेश भगवान ने फिर बताया था, इस दिन जो भी मेरा पूजन करेगा उसका मिथ्या कलंक मिट जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी समझ में विस्तार से आ गया होगा कि भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करना क्यों मना है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि आप अन्य कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है या आप किसी भी देवी देवता के पूजन विरत के बारे में जानकारी चाहते हैं या किसी भी दोष का निवारण कराना चाहते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या फिर कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है या कुंडली के सारे दोष, नवग्रह दोष या पितृ दोष, सर्प दोष, मंगलिक दोष शांत कराना चाहता है, उनके उपाय कराना चाहता है तो आप हमसे तुरंत संपर्क करें। हमारे कमेंट बॉक्स में डिटेल सेंड करें, हम आपका इंतजार करेंगे और आपकी समस्या का समाधान विस्तार से करेंगे, लेकिन इसकी उचित फीस भी जमा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का जय हिंद, जय भारत।